विस्तार से देखते हैं। खबर रायपुर से, कल से भेंट मुलाकात के दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। बस्तर संभाग से सीएम बघेल दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। कोंटा, बीजापुर और दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। लोगों से सीएम बघेल मुलाकात करेंगे, सरकार की योजनाओं का सीएम बघेल उनकी समीक्षा करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो योजनाएं सरकार उनके हित के लिए लेकर आई है, क्या उन योजनाओं का उनको फायदा मिल रहा है या फिर नहीं। तो लोगों से सीएम बघेल मुलाकात करने वाले। तो सरकार की योजनाओं का सीएम बघेल समीक्षा करने वाले। तो कल से होगी भेंट मुलाकात के दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। शुभम हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शुभम, अब क्या खास बातें रहेंगी कल से जो ये शुरुआत की जा रही है, दूसरे चरण की जो शुरुआत मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्या अहम बातें रहेंगी? बिल्कुल अभितोष, देखिए कल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। कल दूसरे चरण के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर संभाग के दौरे पर रहने वाले हैं। बता दें कि जिस तरीके से देखने को मिला कि इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले चरण में सरगुजा संभाग के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने जिस तरीके से एक आक्रामक तेवर अपनाया, चाहे बात की जाए अधिकारियों पर या फिर बात की जाए कलेक्टरों पर, जिला पुलिस अधीक्षकों पर, तो ये तमाम तेवर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तेवर से अब अधिकारी जो है वो जान चुके हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे से पहले ही अब जो है उन संभागों में, उन जिलों में, उन विधानसभा इलाकों में जो है तैयारियाँ पूरी कर ली जाती है। अधिकारी पहले से ही जो है ग्राउंड लेवल पर उतर जाते हैं और राज्य शासन की जो योजनाएँ हैं उनकी, उसका फीडबैक जो है वहाँ के स्थानीय लोगों से लेते रहते हैं। तो निश्चित ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा कल के दूसरे चरण के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे, बस्तर संभाग के किसी गांव पर उतरेंगे और वहाँ के स्थानीय लोगों से जब फीडबैक लेंगे तो एक अलग चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि जो है तैयारियाँ पूरी हो चुकी है और सभी लोग अपने अपने स्तर पर तैयारी कर भी चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम।